Good morning class. Today I am going to take class on subject Fundamentals of Nursing and the topic is Nursing Process, which is coming under Unit 5. So what is nursing process? The nursing process provides a useful description of how nursing should be performed, or it provides a useful description for a nurse so that she or he will be able to perform nursing care for a client. So next is definition of nursing process. Nursing process is a critical thinking process that professional nurses use to apply the best available evidence to caregiving and promoting human functions and responses to health and illnesses. This definition is given by American Nurses Association in 2010. So this definition says, nursing process is a critical thinking process. Critical thinking process means making reasoned judgment, or it is the ability to think clearly and rationally about what to do. Matlab, at the time of caregiving and promoting health of human being, या फिर care देते time या फिर human के health को promote करने के time पे जो भी plan किया जाता है उस plan के पीछे reason होता है. तो इसलिए बताया है it is a critical thinking process, means making reason judgment. For example, यदि पेशेंट को फीवर है तो हम क्या करते हैं, कोल्ड स्पंजिंग क्यों करते हैं, ताकि पेशेंट का फीवर रिड्यूस हो जाए या फिर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन. सो इट्स अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस विच अ नर्स कैन अप्लाई एट द टाइम ऑफ केयर गिविंग एंड प्रमोटिंग हेल्थ ऑफ ह्यूमन or a client. So the another definition of nursing process is a systematic, rational method of planning and providing individualized nursing care. A systematic means step by step. Here you can see assess, diagnosis. In the diagram, assess, diagnosis, plan, implement, evaluate. मतलब कोई भी patient आया या फिर client है, उसका प्रॉब्लम को हम सुनेंगे, मतलब डाटा गैदर करेंगे, देन उसका डायग्नोसिस बनाएंगे, देन उसके लिए प्लान करेंगे, जो भी प्लान होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव है और नेगेटिव है. पॉजिटिव है तो देन इट्स ओके, अगर नेगेटिव है तो हम वापस से पेशेंट से पूछेंगे, असेस करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देन दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू. ओके, सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल मैथड. रैशनल मैथड मीन्स जो भी हम प्लान करते हैं या फिर केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, वो उसके पीछे रैशनल रहता है या फिर कोई रीज़न रहता है कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं. सो इसलिए यहाँ पे बताया इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल मैथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर. कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, बेसिकली फोर कंसेप्ट आर देयर. फर्स्ट नर्सिंग, सेकेंड पर्सन, थर्ड इन्वायरमेंट, फोर्थ हेल्थ. सो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. सो नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. हियर यू कैन सी फाइव फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. फर्स्ट असेसिंग, सेकेंड एनालाइजिंग, दैट इज नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग, फोर्थ इम्प्लीमेंटिंग एंड द लास्ट वन फिफ्थ इज इवेल्युएटिंग. फर्स्ट असेसिंग मीन्स गैदर डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा. जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है या फिर जब हम पेशेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं असेसिंग फेज. इट कैन बी आइदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. देन नेक्स्ट इज एनालाइजिंग. एनालाइजिंग means nurse formulation of nursing diagnosis. Second is nursing diagnosis. So जब भी patient का problem identify कर लेंगे, जब patient से information collect करते हैं उस time patient का problem identify करना होता है. Problem identify करके nursing diagnosis बनाना होता है. तो यह हमारा होता है second phase. Then the third phase, अब patient का diagnosis हमने बना लिया, nursing diagnosis. So हम उसको solve करने के लिए कुछ plan करते हैं. तो
In this phase, write care plan to meet goals. The next is implementing phase. तो जो भी हमने plan किया होता है उस चीज़ को हमको action form में लाना होता है. जो भी plan किया है अब हम उसको apply करते हैं in implementing phase. So it's a carry out plan. Then last one is evaluating. तो जो भी हमने plan किया, implement किया, उसके बाद हमने हमको result देखना होता है. रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव है, या फिर जो हमने गोल बनाया है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है. अगर पेशेंट को फीवर है, फीवर हमने कोल्ड स्पंजिंग किया, पेशेंट का फीवर रिड्यूस हो गया, फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड हो गया, तो इवैल्यूएटिंग फेज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. अगर नहीं हुआ है तो फिर से हम पेशेंट का रीअसेस करेंगे, मीन्स वापस से असेसिंग फेज आएगा, देन वापस से नर्सिंग डायग्नोसिस लाइन, देन प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंट, देन लास्ट वन इज इवेल्यूएट. देन पर्पसेस एंड यूजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. फर्स्ट, इट मेक्स क्लाइंट एंड फैमिली फील इम्पॉर्टेंट एंड पार्टिसिपेटिंग. एज अ नर्स जब हम पेशेंट से या फिर उनके रिलेटिव से पेशेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट टाइम क्लाइंट और जो फैमिली होते हैं वो अपना फुल कोऑपरेशन देते हैं, ठीक है. देन इट इज़ अ टाइम सेविंग डिवाइस. यदि हम प्लान कर लेते हैं हमको ये प्रोसेस करना है, ये हमको केयर करना है पेशेंट के लिए, तो हम सिर्फ वही केयर ही करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे. तो इट्स अ टाइम सेविंग डिवाइस. देन इट अवॉइड्स अननेसेसरी नर्सिंग एक्शन. वही सेम अननेसेसरी नर्सिंग एक्शन नहीं होगा. देन द बेनिफिट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. फर्स्ट, provides an orderly and systematic method for planning and providing care. ये क्या करेगा, orderly and systematic method है for planning and providing care to a client. Then it enhances nursing efficiency by standardizing nursing practice. Nurses का efficiency बढ़ता है, साथ ही साथ जो standard nursing practice है वो भी बढ़ता है. Then it facilitates documentation of care. It provides a unity of language for the nursing profession. Then it is economical, means money saving, time saving hota hai isko. Then stresses the independent function of nurse. Ek nurse hai, wo independently apna kaam kar sakti hai. Increases care quality through the use of deliberate actions. Quality of care will be increases. Then what are the characteristics of nursing process? First, dynamic and cyclic. Second, client-centered. Other, planned and goal-oriented, goal-directed. Universally applicable, problem-oriented, cognitive process. So these are the characteristics of nursing process. So here, dynamic and cyclic. The dynamic nature involves continuous assessment and evaluation of changing clients' responses to nursing interventions so as to achieve the outcomes. So it's a continuous process. हमने पहले भी पढ़ा है, critical thinking process है. It's a continuous assessment in and evaluation process which is according to clients' changing responses. Okay. And the next is client centered. The plan of care is organized in terms of client problems rather than nursing goals. The nurse client relationship is shaped around the needs of the client. So jo bhi plan kiya jata hai care, jo bhi care plan kiya jata hai wo according to client problem hota hai. So isliye bata raha hai ye client centered hota hai. Then next is planned and goal directed. Interventions are considered according to the nursing diagnosis and are based on scientific principles rather than the tradition. जो भी plan किया जाता है और जो भी intervention किया जाता है वो according to nursing diagnosis होता है. तो जो भी plan होता है वो उसके पीछे scientific reason होता है. इसलिए बताया planned and goal directed होता है. Then universally applicable. Nursing process can be used with clients of any age, with any medical diagnosis and at any point on the wellness illness continuum.
नर्सिंग प्रोसेस होता है जो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, मीन्स कोई भी एज ग्रुप या फिर कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस हो, मेडिकल कंडीशन हो, उसमें ये एप्लीकेबल होता है। सो द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। केयर प्लान्स आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स प्रॉब्लम। इंटरवेंशंस आर कैरिड आउट टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इन दिस जो भी प्लान किया जाता है केयर प्लान विच इज़ बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, और जो भी इंटरवेंशन किया जाता है वो सिर्फ प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। देन द अदर इज कॉग्निटिव प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स इन मेकिंग डिसीजन, जजमेंट एंड एलिमिनेटिंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स। सो इन द डेफिनेशन इटसेल्फ वी स्टडी इट्स अ कॉग्निटिव प्रोसेस। सो इसमें इंटेलेक्चुअल स्किल्स का यूज़ करके डिसीजन लिया जाता है। सो जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्लाइंट के प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जा सकता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग नर्सिंग प्रोसेस। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग नर्सिंग प्रोसेस आर knowledge, skill, belief. These three factors are affecting nursing process. Knowledge. Knowledge में क्या है, जो हम academic session में पढ़ते हैं, जो हम training period में पढ़ते हैं, subjects है anatomy, physiology, fundamentals of nursing, biochemistry, जितने भी subjects हम पढ़ते हैं हम उसका use nursing care जब करते हैं तब कर सकते हैं उसका use. तो जो भी हम academic session में पढ़ते हैं वो हम नर्सिंग केयर के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम स्टडी में ध्यान नहीं है बराबर से तो हम नर्सिंग केयर प्रॉपर कैसे कर पाएंगे। सो इसलिए हम बताया है नॉलेज एज अ फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग नर्सिंग प्रोसेस। सो नेक्स्ट इज स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, बाय यूजिंग दिस स्किल्स हम नर्सिंग केयर कर सकते हैं। देन बिलीफ इट डिपेंड्स ऑन द नर्सेस पर्सनल बिलीफ अबाउट नर्सिंग हेल्थ एंड क्लाइंट। नर्सेस का क्या बिलीफ है अबाउट नर्सिंग हेल्थ क्लाइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग नर्सिंग प्रोसेस, नॉलेज, स्किल एंड बिलीफ। देन द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फाइव कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस आर देयर। फर्स्ट वन इज असेसमेंट, सेकेंड इज नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट इज फिफ्थ इवोल्यूशन। सो द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फेजेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, purposes and uses of nursing process, benefits, characteristics, factors affecting nursing process and components of nursing process. So thank you class.